नमस्कार नमस्कार दोस्तों, एक बार एक राजा था जिसकी चार रानियां थी और वो कहीं दूर देश में कुछ काम करने के लिए गया था और काम उसका खत्म होने वाला था तो उसने एक मैसेंजर को भेजा। चारों रानियों को उसने एक पत्र लिखा कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आने वाला हूं और मेरा काम खत्म हो गया है यहाँ पे, और तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ से आपके लिए क्या लेकर आऊं। ऐसा कह के उसने वो अपने संदेशवाहक को ये चारों पत्र दिए और अपने देश भेजा कि जाके चारों रानियों से इसका जवाब लेकर आओ। पत्र मिलते ही चारों रानियां बहुत खुश हुई। सबसे छोटी रानी बहुत खूबसूरत थी और उसको बहुत सुंदर कपड़े और गहनों का शौक था। उसने पत्र के जवाब में लिखा कि मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आना और हीरे और सोने की चूड़ियाँ और गहने लेकर आना। दूसरी रानी पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी, स्कॉलर टाइप की थी, तो उसने कहा कि मेरे लिए उपनिषद लेकर आना। तीसरी रानी ने खत के जवाब में लिखा कि मेरी सेहत आगे से भी बहुत खराब हो गई है, उस देश में पूछना अगर कोई अच्छे से वैद्य हो तो उनसे मेरे लिए दवा लेकर आना। सबसे बड़ी रानी ने लिखा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप घर आ जाओ। चारों रानियों के पत्र लेकर वो संदेशवाहक वापस राजा के पास पहुंच गया। राजा को वो चारों रानियों के जवाब मिले तो उसने वो सारा सामान खरीदा जो उनकी रानियों को चाहिए था और वो सामान लेकर वापस अपने देश पहुंचा। जैसे ही वो अपने देश में पहुंचा तो अपने मंत्रियों के माध्यम से उसने तीनों रानियों को तो जो उसके लिए गिफ्ट्स लाया था वो उसने उनके तक पहुंचा दी और खुद जाके सबसे बड़ी रानी के महल में चला गया। कुछ दिनों तक तो जो तीनों रानियां थी वो अपनी गिफ्ट्स में मस्त रही, लेकिन अब उनके ध्यान में आया क्या बात हुई कि राजा ने उनकी खबर ही नहीं ली और उनसे मिलने भी नहीं आए। तो उन्होंने मैसेज भेजा राजा को कि भी आप हमसे मिले ही नहीं। राजा ने उनको जवाब दिया कि आपको तो कुछ उपहार चाहिए थे, कुछ गिफ्ट चाहिए थे, वो मैंने आपको दे दिए, और जो सबसे बड़ी रानी है उसने सिर्फ मुझे मांगा था, इसलिए मैं ने अपने आप को उसको समर्पण कर दिया है, तो मैं उसी के महल में हूँ। इस कहानी का एक बहुत डीप मीनिंग है। इस कहानी के राजा भगवान हैं। भगवान एक कल्प वृक्ष की तरह होते हैं, जो हम उनसे मांगते हैं वो वही हमें देते हैं। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम मांगते क्या हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं, और जिन लोगों को दुनियावी चीज़ों से प्यार होता है वो भगवान से और कई चीज़ें मांगते हैं। तो जैसा हम मांगते हैं वैसा ही भगवान करते हैं, वही हमें देते हैं। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कि हम हमेशा भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे अगर हमारा हस्बैंड या वाइफ या हमारे बच्चे कहीं बाहर गए होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमें उनको याद करने के लिए कहीं पर बैठ के आसन लगा के आंखें बंद करके हाथ जोड़ के नहीं याद करना पड़ता। हम सारा दिन चलते फिरते अपना काम करते हुए भी उनको याद कर सकते हैं। इसी तरह से हम हर दम भगवान को भी याद कर सकते हैं कि अपनी पूरी दिनचर्या के साथ साथ भगवान को हमेशा अपने अंग संग महसूस करें और ये महसूस करें कि वो हमेशा हमें देख रहे हैं, हमारे साथ साथ हैं। हमारी इस कहानी को सुनकर आप भी ज़रूर सोचना कि आप भगवान से क्या मांगते हैं और आपको भगवान से क्या मांगना चाहिए। सनरेज की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।